नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें स्मृति ईरानी के सामने एक ऐसी महिला नेता खड़ी थी जिन्होंने खरी खोटी सुनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। संसद के अंदर का ये वीडियो है, लगातार ऐसे वीडियोज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप देख सके कि देश के संसद में जहां महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वहां पर नेता लोग जो है वो आपस में भिड़ते नजर आते हैं। लेकिन ये गलत भी नहीं है, अगर सत्ताधारी कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाना विपक्षों का काम है और वही काम करती हुई ये तस्वीर भी नजर आ रही है। इस महिला नेता का पहले आप बयान सुनिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। हमारे माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है, जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रुई डाल के सो जाते हो। आई विश कि स्मृति जी आइए और हम लोगों के साथ, अगर आप चीख चीख के उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थी तो आइए ना। आज गैस सिलेंडर 10,054 रुपए हो गया है, आज आप हमारे साथ चीख चीख कर गरीबों की बात करिए, अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज, आप मंत्री। इसके बाद मैं सुषमा जी का एक मिनट, माननीय मंत्री, किसी के नाम लेकर मंत्री यहाँ सवाल नहीं करना चाहिए। स्वर्गीय सुषमा जी की स्पीच को याद करना चाहती हूँ जिन्होंने कहा था कि यह संवेदनहीन सरकार है, ये बिल्कुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है, यह विश्वासघाती सरकार है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर सुषमा जी होती तो वो निश्चित बोलती कि यह संवेदनहीन सरकार है, हमारी ही सरकार है, यह विश्वासघाती सरकार है, हमारी ही सरकार है। मुझे डर लगता है जब मैं प्रधानमंत्री की उस स्पीच को सुनती हूँ जो उन्होंने कहा था कि घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूख से रो रो कर सोते हैं और माँ आंख में आंसू लेकर चुप हो जाती है। जब आंसू की बात पीएम साहब के मुंह से सुनते हैं तो हमें डर लग जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले मिडिल क्लास से महिलाओं के आंसू निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं, सब्सिडी छोड़ दो, महिलाओं ने छोड़ दी, कहा गरीबों को सब्सिडी देंगे, महिलाएं पसीस गई, हम सब ने सब्सिडी छोड़ दी। आज हर्ष क्या हुआ, आज आपने 1600 रुपए का एक झुंझुना पकड़ा कर 7 करोड़ लगभग लोगों को आपने चूल्हा और गैस दिया। आपको मालूम था कि गरीब आपके झांसे में फंसेगा, एक चुनाव दो चुनाव आपने उज्ज्वला योजना से निकाल लिए, उसके बाद क्या हुआ, क्या वो 1600 रुपए, वो सब्सिडी जिस रेवड़ी की बात आज मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं थी? लेकिन वो रेवड़ी में फर्क इतना था, गरीबों के लिए नहीं थी, गैस एजेंसीज के लिए थी। आप 1600 रुपए गरीबों से ले रहे थे, बाकी का पैसा सरकार दे रही थी, किसका दे रही थी, टैक्स पे ही का दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ, आज आंकड़ा है, इतना वक्त नहीं है, लगभग 7 करोड़ घर जिसमें 4.5 करोड़ वो लोग हैं जो उज्ज्वला के तहत आते हैं, एक साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रहे हैं। 3.5 करोड़ के लगभग वैसे लोग हैं जो साल में एक रिफिल करा रहे हैं। ये किसको दिया था झुंझुना, ये किसकी रेवड़ी थी? रेवड़ी तो प्रधानमंत्री साहब आपने भी दी। कल मैं सुन रही थी आपके लोकसभा में भाजपा के एक सांसद बोल रहे थे कि भाई उस वक्त भी आपके टाइम पे 900 रुपए गैस सिलेंडर था, मानते हैं 900 रुपए था, लेकिन हम अपनी रेवड़ियां गरीबों में दे रहे थे, बिल्कुल 400 रुपए कम में गैस सिलेंडर दे रहे थे, हम गरीबों की मदद कर रहे थे, हम एनपीए की और करोड़पतियों की मदद नहीं कर रहे थे, हम उनके 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं कर रहे थे, हम गरीबों को दे रहे थे। आप सिर्फ खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक तरफ मोदी साहब कहते हैं कि रेवड़ी बांटना बहुत खतरनाक है, मैं प्रधानमंत्री साहब सभापति जी के माध्यम से बोलूंगी, उज्ज्वला की रेवड़ी हो चाहे आपकी कोई भी गरीबों के लिए रेवड़ी हो, वो रेवड़ी में ना तिल था, ना चीनी थी, ना गुड़ था, ये तिल चीनी गुड़ सब कुछ कोई जो लेके गया वो कॉर्पोरेट। स्मृति ईरानी को लेकर के जिस तरह से महिला नेता ने अपनी बातें जाहिर की है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी खेमे में इस बयान के बाद हड़कंप मच चुका है। बहरहाल हम आपसे जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोगों की क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।